हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पीएम अग्रवाल। टारगेट एजुकेशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज लेकर आए हैं हिंदी के युग्म शब्द। तो दोस्तों अगर आपने ये युग्म शब्द अच्छी तरह से पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं, तो आप किसी भी एग्ज़ाम के 3-4% जो एग्ज़ाम में आते हैं वह उसे आसानी से सरल करते हैं। अर्थात शब्द युग्म के किसी भी एग्ज़ाम में 4-5% अवश्य पूछे जाते हैं, जो इस वीडियो में हम अच्छी प्रकार से समझकर सरल कर सकते हैं। तो देखते हैं शब्द युग्म। शब्द युग्म हिंदी में अनेक ऐसे शब्द होते हैं, हिंदी में अनेक ऐसे शब्द होते हैं जिनके उच्चारण और वर्तनी में बहुत कम भिन्नता होती है। अर्थात देखने में, बनावट में, उच्चारण में, वर्तनी में बहुत कम भिन्नता होती है, अर्थात बहुत कम अंतर मिलता है। परंतु उनका अर्थ करते हैं तो वे बहुत भिन्न होते हैं। उनका अर्थ अलग अलग होता है, भिन्न होते हैं। ऐसे शब्द युग्म शब्द कहलाते हैं। जैसे अनिल और अनल, देखने में दोनों समान है, प्राय दोनों समान है। न पे छोटी की मात्रा लगी है, दूसरा अनल है उस शब्द में छोटी की मात्रा नहीं लगी है, बस इतना सा ही फर्क है। देखने में प्राय थोड़ा सा फर्क है। अब इनका अर्थ करते हैं तो अनिल का अर्थ होता है हवा और अनल का अर्थ होता है आग। जब इनका अर्थ करते हैं तो बहुत भिन्नता होती है और यही भिन्नता शब्द युग्म कहलाती है। अगला है स्वजन। तो स्वजन का अर्थ है बंधु और स्वजन का अर्थ है कुत्ता। इन स्वजन और स्वजन में थोड़ा सा ही फर्क है, प्राय थोड़ा सा ही अंतर या प्राय थोड़ा सा अंतर देखने को मिलता है। अब देखते हैं शब्द युग्म। अभिराम और अविराम दोनों में एक वर्ण भ और व का अंतर है। तो अभिराम का अर्थ है सुंदर और अविराम का अर्थ है लगातार। अगला है अपकार बुराई। अपकार बुराई, उपकार भलाई। जहाँ पे अप है बुराई और उप है भलाई। सिर्फ ए और ऊ का अंतर है, ए और ऊ का अंतर है। अपकार बुराई, उपकार भलाई। इसी प्रकार अपेक्षा तुलना, उपेक्षा अवहेलना। अली छोटी की मात्रा भंवरा, अली बड़ी की मात्रा सखी अर्थात सहेली। अली और अली ये कंपटीशन में एग्जाम में पूछा भी गया। अवधि छोटी की मात्रा समय, अवधि एक विशेष भाषा, ये भी परीक्षा में पूछा जा चुका है। अंश भाग, अंश कंदा। अर्य अर्घ पूजा का जल, अहर्य पूजनीय। अम्ल स्वच्छ, अम्ल तेजाब। अंगना स्त्री, अंगना आंगन। अचल स्थिर, अचला पृथ्वी, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब्ज कमल और अब्द वर्ष। अंबुज कमल, अंबुद बादल, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। अक्ष धुरी और अक्षी, सिर्फ छोटी की मात्रा लगी है। अक्ष धुरी और अक्षी आँख या नेत्र। अरी शत्रु, छोटी की मात्रा है। अरी बड़ी की मात्रा संबोधन, अर्थात एक स्त्री विशेष संबोधन, स्त्री के लिए किया जाने वाला संबोधन। असी तलवार, अस्सी एक संख्या। अधर ओष्ठ, आधार सहारा। अर्चन पूजा, अर्जन संग्रह। अश्व अश्व घोड़ा। अश्व यहाँ पे स पहला है आधा और यहाँ पे स तीसरा आधा, तो अश्व धनहीन। अलोक अदृश्य, आलोक प्रकाश। आरती छोटी ती की मात्रा है तो दुख, आरती बड़ी की मात्रा है तो स्तुति प्रार्थना वंदना। आगाज आरंभ करना, आवाज ध्वनि। अवसान चांडाल, अवसान समाप्ति। आदि आरंभ और आदि, यहाँ पे द पे छोटी की मात्रा, यहाँ आदि पे बड़ी की मात्रा है, तो आदि अभ्यस्त। आकर खजाना, आकार रूप। इसी प्रकार आवरण पर्दा, आमरण मृत्यु तक। उपल पत्थर, उत्पल कमल, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। उद्रत उद्दंड, उद्रत तैयार।
उदार, दानशील, उधार, ऋण, उद्योग, प्रयत्न, उद्योत, यहाँ पे गह है, यहाँ पे तय है, तो प्रकाश, उद्योत, प्रकाश, उदाहरण, दृष्टांत, उद्धरण, कथन, उद्धरण, कथन, ऋजु, सरल, और रज्जु, रस्सी, और तरफ या इशारा, और का तरफ या इशारा, और का कोई अन्य या किसी अन्य के लिए, कपट, छल, कपाट, क्यूआड, कपोत, कबूतर, कपोल, गाल। यहाँ पे देखो तय और ले का ही अंतर है, प्राय देखने में शब्द समान है, यहाँ पे तय है और यहाँ पे पे है, तो कपोत, कबूतर, कपोल, गाल। कपी छोटी की मात्रा है तो बंदर, और कपी बड़ी की मात्रा है तो घिरनी या चरखी, ये एग्जाम में पूछा गया है। कलश, घड़ा, और कुलिश, वज्र या कठोर, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। करण, कान, और करण कारक, हिंदी व्याकरण में हमने पढ़ा है, संज्ञा सर्वनाम कारक, तो यहाँ पे करण का अर्थ है कारक। कर्म, कार्य, क्रम, पंक्तिबद्ध, कटी, कमर, कीट, कीड़ा, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। कांति, चमक, क्रांति, उलटफेर। कंजर, एक जाति विशेष, कुंजर, हाथी। कंजर एक जाति विशेष, कुंजर एक हाथी, तो क पे सिर्फ ऊ की मात्रा लगी है, यहाँ पर क पर ऊ की मात्रा लगी है, तो कुंजर हो गया हाथी। इसी प्रकार अगला है कर्पण, कंजूश, कृपाण, तलवार, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। कोष, खजाना, कोष, शब्द भंडार, यहाँ पे कोष से ये दूसरा से आता है तो खजाना हो गया, और पहला से आता है तो शब्द भंडार। ऐसे ही कूच, स्थान, कूच, प्रस्थान, कुल, वंश, कुल, किनारा, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। कर्तज्ञ, उपकार मानने वाला, कर्तन्य, उपकार बुलाने वाला, ये भी कंपटीशन में एग्जाम में पूछा गया था। खंजन, एक पक्षी विशेष, खंजर, कटार, गणक, गिनने वाला, गणिका, वेश्या। गज, हाथी, गज, एक माप, माप जो मापने का यंत्र होता है, प्राय कपड़े का काम करने वाले या कपड़े बेचने वाले के पास मिलता है ये। गदा, एक शस्त्र है, गदा एक शस्त्र, और गधा पशु। गिरी, पर्वत, गिरी, बीज का गुद्दा। ग्रह, नक्षत्र, ग्रह, घर, ये भी कंपटीशन में एग्जाम में पूछा गया है। घन, बादल, घना, गाढ़ा, चक्रवात, तेज हवा या बवंडर, चक्रवाक, चकवा पक्षी, छात्र, विद्यार्थी, छात्र, क्षत्रिय, जलज, कमल, जलद, बादल, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे है तड़ाक, जल्दी, तड़ाग, तालाब, तरणी, नौका, तरणी, सूर्य, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। छोटी अणी की मात्रा है तो सूर्य, और बड़ी णे पे बड़ी की मात्रा है तो नौका। तरणी, नौका, और तरणी, सूर्य। तनु, पतला, तनु, पुत्र, तरंग, लहर, तुरंग, घोड़ा, ये भी पूछा गया है। दशा, हालत, दिशा, और दग्ध, जला हुआ, दुग्ध, दूध, द्रव्य, तरल पदार्थ, और द्रव्य धन, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, एलडीसी एग्जाम में पूछा गया है। द्वीप, हाथी, और बड़ी ई यानी द्वीप, टापू। तरुणी, युवती, तरुण, युवक। दिन, दिवस, दीन, निर्धन या गरीब, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। दंश, डंक, दंश, चुभन, धरा, पृथ्वी, धारा, परवाह। धनु का अर्थ है धनुष, और धेनु का अर्थ है गाय, नग का अर्थ है पर्वत, और नाग का अर्थ है सर्प या हाथी। निर्जर, देवता, निर्जर, झरना, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। पयोद का अर्थ है कमल, और पयोज का अर्थ है कमल, और पयोद का अर्थ है बादल। इसी प्रकार अगला है परुष, कठोर, पुरुष, आदमी, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। आगे है पावन का अर्थ है
पावन का अर्थ है पवित्र और पावक का अर्थ है आग। प्रणाम अभिवादन, किसी का अभिवादन करना। प्रमाण सबूत जुटाना। प्रसाद कृपया, प्रासाद महल, ये भी एग्जाम में पूछा गया। इनमें देखो प्र है और यहाँ पे प्रा है, तो दोनों में थोड़ा सा ही फर्क है, देखने में थोड़ा सा ही अंतर है, परंतु इनका अर्थ करते हैं तो बहुत अंतर है। प्रसाद का अर्थ है कृपया और प्रासाद का अर्थ है महल। इसी प्रकार अगला प्रकार, प्रकार का अर्थ है त्रय, प्राकार परकोटा, प्रोषित प्रवास करने वाला, प्रोषित पोषित पाला हुआ, बदन शरीर, वदन मुख, ये भी पूछा गया एग्जाम में। वात वचन, बात वचन और वात वायु। इसी प्रकार आगे है पानी जल और पानी हाथ, बाण तीर, बाण आदर। बाण का अर्थ है तीर और बाण का अर्थ है आदत। वारिश उत्तराधिकारी, वारिश समुंदर। मनोज मनुष्य, मनोज का अर्थ है कामदेव। महावत हाथी को हाँकने वाला, महावत हाथी को हाँकने वाला अर्थात हाथी के ऊपर बैठकर जो हाथी को हाँकता है महावत कहलाता है। महावत शीतकालीन वर्षा, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। रोदन का अर्थ है रोना, रदन दांत, लक्ष्य लाख, लक्ष्य निशाना, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। अगला है वसन कपड़ा, व्यसन आदत अर्थात बुरी आदत। वसुदेव श्री कृष्ण के पिता और वासुदेव स्वयं श्री कृष्ण, यानी वासुदेव श्री कृष्ण को वासुदेव के नाम से भी जानते हैं। श्री कृष्ण का दूसरा नाम है वासुदेव। वारिद का अर्थ है बादल और वारिदी समुंदर। व्याघ्र बाघ, व्याध बहेलिया। विपिन का अर्थ है जंगल, विपिन निर्धन। शुक्ल सफेद, शुल्क फीस। श्वेत सफेद और श्वेत का अर्थ है पसीना, श्वेत का अर्थ है पसीना। अगला है शुचि पवित्र, शची इंद्राणी, ये भी एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। अगला शोक दुख, शोक रुचि, ये भी कंपटीशन में एग्जाम में पूछा गया है। क्षति हानि, स्थिति पृथ्वी, सीता मिश्री या शक्कर, सीता राम की पत्नी अर्थात जानकी। सर तालाब, शर तीर या बाण, शंकर मिला हुआ, शंकर महादेव। हस्त हाथ, हस्ती हाथी, अचल पर्वत, अचला पृथ्वी, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। अगला है अजर देवता, अजीर आंगन, चपल चंचल, चपला बिजली, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। प्रथा रीति, प्रीता कुंती, पंख कीचड़, पंख पर, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। लता बेल, लता कपड़ा, आवरण पर्दा, आमरण मृत्यु तक, कोष खजाना, कोष शब्द भंडार। अयस, अयस का अर्थ है लोहा और अयश का अर्थ है बदनामी। यहाँ पे से दूसरा, यहाँ पे से तीसरा, यहाँ पर से पहला। अयस का अर्थ है लोहा और अयस का अर्थ है बदनामी। तो दोस्तों हमने ये शब्द भंडार, ऐसे शब्द भंडार, ऐसे शब्द युग्म पढ़े हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो हो सकता है आगे वाले भी इन्हीं में से पूछा जाए, तो आप ध्यान करके इसे देखिएगा, इनके अर्थ करने की कोशिश कीजिए, और जहाँ तक हिंदी में अर्थ आते हैं वो इन्हें आसानी से सरल कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखें, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।